गाइज वेलकम टू बिहारी बुकर। हम यहाँ अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम पैन गरम करने चढ़ा दिए हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाए उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालें। वो होने के बाद वो थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें एग फ्राई करने के लिए डालें। अब हल्के हल्के एग गर्म करें। जब एग भुना चले जाए भुनने टाइम थोड़ा सा नमक डालें, उससे जो है कलर थोड़ा आता है उसमें। देखिए अब देखिए कलर ब्राउन कलर टाइप्स हो गया है। अब उसे निकाल लें। अब थोड़े तेल में जीरा डालें, थोड़ा सा प्याज जो साइड में रखा हुआ भूने, वो ब्राउन डीप होते होते जो है उसको भूनना है। उसके बाद निकाल लें। फिर थोड़ा ऑयल गर्म करें, उसमें चावल वो फूला हुआ चावल है वो डालें, वो थोड़ा भूनें। उन्हें भूनते भूनते तब तक के लिए हम यहाँ रेसिपी में देखिए बिरयानी के साथ खाने के लिए चटनी बनाए हैं। अब यहाँ देखिए हो गया चावल भुना हुआ, इन्हें निकाल लें। और अब यहाँ ऑयल गर्म करें, गर्म मसाला डालें, मिर्च डालें, प्याज डालें, थोड़ा भूनें, भूनते रहें थोड़ा देर। उसमें थोड़ा सा नमक भी डालें तो इससे थोड़ा गलने में आसानी होती है। थोड़े देर इन्हें भूनें। देखिए यहाँ प्याज भुना जा रहा है, थोड़ा ब्राउन करना है इसमें। थोड़ा डीप ब्राउन होने के बाद टमाटर डालें। टमाटर डाल के थोड़ा रहने दें, चलाएं उसे अच्छी तरह से। फिर मसाले डालें, हमने जो पेस्ट बना के रखा था मिक्स वाला, वाले में प्याज लहसुन अदरक और गरम मसाला का पेस्ट है, उसे डाल करके एक साथ मिलाएं, थोड़े चलाएं, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें ढक करके। देखिए अब थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है। नमक डालें, फिर चलाएं इसे। थोड़ी सी हल्दी डालें, एक चम्मच। अब इन्हें चलाते हुए देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है। मिक्सचर मसाला डालें, नींबू डालें, फिर चलाएं इसे। अब इसमें अंडे को अच्छी तरह से पुट कर दें। फिर थोड़ी देर के लिए इन्हें इस मसाले में रखें, भूनें, फिर पानी डालें, थोड़ी देर के लिए और उसे रहने दें। अब इन्हें साइड करें और कुकर चढ़ाएं। कुकर जब गर्म हो जाए तो उसमें देसी घी 2 चम्मच डालें। उन्हें अच्छे से कुकर में मिलाएं, फिर इसमें अंडे को डालें, थोड़ी मसाला डालें, फिर चावल डालें उसका, और वो वाला प्याज भुना हुआ प्याज डालें, उसका लेयर बनाएं, जितनी लेयर हो सके उतनी लेयर डालें, से 1 इंच ऊपर तक पानी डालें। उसके बाद हम कुकर को लगा दें, बंद कर दें। अब देखिए कुछ ऐसा रिजल्ट निकलेगा। देखिए हमारा एक बिरयानी कितना खूबसूरत लग रहा है। रेसिपी एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये हमारा सिंपल सा आसान तरीका वाला रेसिपी एक बिरयानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कैसा बना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।